हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, यानी बिस्मिल्ला खान की शहनाई. सो लेट्स स्टार्ट. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन. यानी जब आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रोबेबली या समटाइम्स आपको कल्पना होती होगी उस चीज़ की, वो है शादियां और या उनसे मिलते जुलते कोई कार्यक्रम या फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. और जैसे ही आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो शहनाई का नाम सोचते ही आपको जो इंसान याद आते होंगे वो हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. मैस्ट्रो मीन्स मास्टर, यानी जिनको महारत हासिल थी शहनाई बजाने में या इस यंत्र को बजाने में, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में. हियर इज़ उस्ताद बिस्मिल्ला खान. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. बादशाह औरंगज़ेब ने बैंड मीन्स बैन कर दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था. एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको कहते थे पुंगी. इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. यानी जो रॉयल रेजिडेंस था, यानी शाही जो घराना था, उसके लिए ये एक श्रिल मीन्स एक तीखी चुभने वाली अनप्लीजेंट साउंड, यानी ऐसी आवाज़ थी जिससे किसी को खुशी नहीं मिलती थी. एक तेज़ ध्वनि निकलती थी उसमें, एक अजीब सी आवाज़ निकलती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइस मेकर्स. और ये जो नाम पड़ा पुंगी, ये नॉइस मेकर्स थे, यानी जो शोर मचाने वाले थे, रीडेड नॉइस मेकर्स थे. रीडेड का मतलब यहाँ तो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, बट वैसे रीड मीन्स होता है ईख, या फिर आप ऐसा तना जिससे इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है बाद में, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन रीड का यहाँ पर मतलब है एक खोखला तना जिससे आवाज़ निकालते थे, जिससे शोर मचाते थे, और उसको बाद में नाम दे दिया गया पुंगी. क्या नाम दे दिया गया? पुंगी. फ्यू हैड थॉट, कुछ लोग ये सोचते थे, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन इट किसके लिए यूज़ किया गया है? पुंगी के लिए, क्योंकि बैन किया गया था पुंगी को. तो उन्होंने सोचा कि एक दिन पुंगी रिवाइव्ड होगी, यानी पुनर्जीवित होगी. रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना. अ बारबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक बारबर, एक नाई जो कि पेशेवर संगीतकार थे, जिसके परिवार में, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको शाही घर में एक्सेस था, उसको अनुमति थी वहाँ जाने की, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी, यानी जो उसकी जो तने की जो क्वालिटी थी, उसको इम्प्रूव करने की सोची. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम. उसने एक प्राकृतिक खोखला तना, होलो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से खोखला हो, स्टेम मीन्स तना, एक खोखला तना उसने चुना. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा था और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप पर उसने होल्स कर दिए. कितने होल्स कर दिए? 7 होल्स कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, यानी जो टोनल क्वालिटी उसने चेंज कर दी थी, जो पाइप जो उसने लिया था, जो पुंगी के कंपैरिजन में लॉन्गर एंड ब्रॉडर था, और जिस पर उसने 7 होल्स किए थे, उसको जब उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और इन
जो होल्स थे उनको कभी वो बंद करता और कभी वो खोलता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, तो उसमें से जो आवाज़ आई वो कैसी आवाज़ आई, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस, सॉफ्ट मींस मधुर और मेलोडियस मींस अच्छी, यानी एक मधुर धुन उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने शाही जो घराना था उसके सामने जब उसको बजाया, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, तो हर कोई उससे इम्प्रेस हो गया, आकर्षित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और वो जो यंत्र था, जो इंस्ट्रूमेंट था, जो कि पुंगी से बिल्कुल अलग था, उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कहती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि इसको सबसे पहले जो राजा शाह थे उनके दरबार में, चैम्बर मीन्स दरबार में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और या और उसको एक बारबर, एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए उस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। उस यंत्र का नाम शहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि वो शाह के चैम्बर में बजाया गया था सबसे पहले, शाह के दरबार में बजाया गया था, और किसके द्वारा बजाया गया था, एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उस यंत्र का नाम, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई, हियर इज़ द टोनल क्वालिटी विच वॉज इम्प्रूव्ड by that barber, you can see that the sound of the shehnai begin to be considered auspicious, और शहनाई का जो संगीत था उसको समझा जाने लगा auspicious, auspicious का मतलब शुभ मानने लगे, उसको मंगलकारी मानने लगे, and for this reason, और इसी वजह से, it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से आज भी इसको temples में या मंदिरों में बजाया जाता है, and it is an indispensable का मतलब इसको आवश्यक माना जाता है, component, यानी ये एक ऐसी आवश्यक चीज़ हो गई है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो उत्तर भारतीय शादियां हैं उसमें एक ये आवश्यक वस्तु के रूप में मानी जाती है, अब इतनी ज़्यादा इसको ऑस्पिशियस या इतना ज़्यादा इसको शुभ माना जाता है। इन द पास्ट, पहले द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, पहले शहनाई जो है वो एक हिस्सा थी किसकी, नौबत की। नौबत क्या है, ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स, एंसेम्बल्स का मतलब है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी जो पारंपरिक जो ग्रुप होता था संगीतकारों का, उसको उस टाइम पर नौबत शायद कहते थे। तो नौबत में ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स, और नौबत क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें नौ इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए एट रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, टिल रिसेंटली, आज भी, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, आज भी इसको सिर्फ मंदिरों में और शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और जो श्रेय, द क्रेडिट मीन्स वो श्रेय, किस चीज़ का श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को उस काल से लेकर ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, सांस्कृतिक जो स्टेज है उस तक ले जाने का जो श्रेय जाता है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वो श्रेय किनको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज अ फाइव ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो जब 5 साल के थे, कौन, बिस्मिल्ला खान,
तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे नदी के किनारे, जो प्राचीन काल में जिसका नाम था दुमराव। और ये दुमराव जगह है बिहार में, यानी बिहार के दुमराव में प्राचीन काल में जब वो 5 साल के थे तब वो नदी के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से पास के ही, नियर बाई मीन्स पास के ही, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे जहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। और जब वो चैता गा लेते थे तो उसके समापन के बाद, उसकी समाप्ति के बाद उनको इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वज़न 1.25 किलो होता था, यानी 1 किलो 250 ग्राम उसका वज़न होता था। अ प्राइज़ गिवन बाई लोकल महाराजा। और ये इनाम उनको वहाँ के एक जो महाराजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स है वो, ऐसा लगभग 80 साल पहले हुआ है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे लड़के को 80 साल पहले की, क्योंकि ये घटना थी, तो उस छोटे लड़के को भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी भारत रत्न, उस तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्ला बिहार के एक समृद्ध या सुविख्यात या प्रसिद्ध, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध कह सकते हैं आप, एक प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार में उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, और उनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार के शहनाई नवाज़ थे, ये उनको उपनाम दिया गया था शहनाई नवाज़। तो शहनाई नवाज़ कौन थे? उनके दादाजी थे रसूल बख्श खान। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। यानी उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल मीन्स होता है पैतृक और एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, यानी उनके दूसरे जो पैतृक पूर्वज थे यानी फ्रॉम द साइड ऑफ फादर, तो उनके जो पैतृक पूर्वज थे वो भी शहनाई के बहुत अच्छे वादक थे, बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और उस नौजवान लड़के ने संगीत को अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही ले लिया। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। जब उनकी माँ उनको मैटरनल अंकल यानी उनके मामा के घर लेकर गईं, कहाँ? बनारस, जो अब वाराणसी है। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्ला अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए जब वो प्रैक्टिस करते हुए देखते थे तो बहुत फैसिनेट होते थे, यानी बहुत उत्साहित होते थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श। और जल्दी ही वो अपने मामा अली बख्श के साथ योगदान देने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बक्स को यानी अली बक्स को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बक्स
वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। क्या होता था, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्ला वुड सिट, और बिस्मिल्ला सिर्फ बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और अंत तक घंटों वो कैप्टिवेट मीन्स मुग्ध हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, आकर्षित होकर घंटों उनको शहनाई बजाते हुए देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जल्दी ही उन्होंने उस यंत्र को बजाने के लेसन्स सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर वो प्रैक्टिस करते थे उसको बजाने की। फोर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और सालों तक जब वो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आए एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और जब वो गंगा नदी के किनारे पर आए, द यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स होता है बिगनर और न्यू लर्नर, नया सीखने वाला, तो ये जो नौजवान था, जो नया सीखने वाला नौजवान था, फेवरेट तो उनका जो पसंदीदा था वो हॉन्ट्स, वो लोगों को डराता था, काफ़ी डरावना था। क्यों डरावना था, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स लोनली, तो वो क्योंकि गंगा के किनारे पर बैठकर घंटों अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे, ये उनकी सबसे फेवरेट चीज़ थी, लेकिन ये दूसरों को डराती भी थी, हॉन्ट्स भी करती थी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, और गंगा का जो बहता हुआ जल था वो उनको प्रोत्साहित करता था, इंस्पायर्ड करता था टू इम्प्रोवाइज, सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट रागास, और रागों का आविष्कार करने के लिए, दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो उस समय पर ऐसा समझा जाता था कि ये शहनाई की पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है, यानी बियॉन्ड द रेंज या आउट ऑफ रेंज, बियॉन्ड द रेंज या आउट ऑफ रेंज इज़ द सेम मीनिंग, यानी उस समय ऐसा माना जाता था कि शहनाई के लिए राग का जो इजाद करना है वो लगभग उसकी पहुंच से बाहर है, शहनाई जो है वो इस काम में नहीं आ सकती। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला एकम्पेनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, अलाहाबाद संगीत अकादमी में बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल मीन्स उनका जो गायन था, जो शहनाई वादन था, उसके बाद उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड मीन्स थपथपाया, क्या उनकी पीठ, यानी लड़के की, हु वॉज़ द यंग बॉयज, ऑब्वियसली बिस्मिल्ला खान वॉज़ द बॉयज, जो जिनकी पीठ उस्ताद फैयाज खान ने थपथपाई, एंड सैड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, और तुम निश्चित ही इसको और अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में ओपनिंग हुई सन 1938 में, केम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक, तो यहाँ पर बिस्मिल्ला खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, यानी उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, बिग ब्रेक मीन्स बिग अपॉर्चुनिटी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो पर शहनाई सुनने वाले जल्दी उन प्लेयर्स में से बन गए, उन संगीतकारों में से बन गए जो रेडियो पर संगीत को सुनाते थे।
व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी की प्राप्ति हुई, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्ला खान उस पहले भारतीय थे, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई से राष्ट्र को अवगत कराया। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इन टू राग काफ़ी, उन्होंने अपना पूरा दिल और पूरा जो ध्यान था वो राग काफ़ी में लगा दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, और अपने श्रोताओं को राग काफ़ी से, अपने श्रोताओं को उन्होंने राग काफ़ी सुनाया। कहाँ से? रेड फोर्ट से, लाल किले से, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके जो श्रोतागण थे, जो ऑडियंस थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट एंड डेस्टनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट एंड डेस्टनी की जो फेमस स्पीच जो उन्होंने दी थी आज़ादी की, वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के शहनाई के बाद में दी थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।